Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे. आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी. उस कहानी का नाम है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी. तो चलिए शुरू करते हैं. एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था. वो बहुत मेहनत से काम करता था. एक दिन किसान अपने साथ एक प्यारी सी मुर्गी को घर ले आया. मुर्गी को देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई. अगले दिन सुबह जब किसान और उसकी बीवी उठे तो उन्होंने देखा कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया हुआ था. सोने का अंडा देखकर किसान और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हुए. किसान सोने का अंडा लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया. किसान को अंडे की अच्छी कीमत मिली. इसी तरह हर रोज वो मुर्गी सोने का अंडा देती. किसान उसे अच्छे दामों बाजार जाकर बेच देता. इसी तरह दिन गुजरते गए और किसान और उसकी बीवी के हालात बदलते गए और वो दिन ब दिन अमीर होते चले गए. लेकिन अमीर होने के साथ साथ किसान और उसकी बीवी में लालच भी आ गई थी. उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मुर्गी को ज़बह करके उसके पेट से सारे अंडे निकाल लें. इस तरह हमारे पास बहुत सारे सोने के अंडे जमा हो जाएंगे और हम उन्हें बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे. इस तरह हम अमीर हो सकते हैं. अमीर होने के ख्याल से किसान के दिल में लालच भर आई और किसान से सब्र ना हुआ. उसने फौरन से छुरी उठाई और मुर्गी को ज़बह कर दिया. लेकिन किसान और उसकी बीवी को ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मुर्गी के पेट से तो कोई अंडा नहीं निकला. ये देखते ही किसान और उसकी बीवी रोने लगे और कहने लगे कि हाय, ये हमने क्या कर दिया. अब तो ना ही मुर्गी रही और ना ही हमें सोने के अंडे मिलेंगे. अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे. इस तरह उन्हें अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ. लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल गया था और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये लेसन हासिल होता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए. ज़्यादा की लालच में हमें थोड़ी चीज़ को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है. हमें लालच से बचना चाहिए. और अल्लाह ताला ने हमें जितना भी दिया है उस पर हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. और हमें कभी भी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करनी चाहिए. See you in the next video, friends. Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel for more stories. Allah Hafiz.